Hey guys, how are you all? Hope you are all doing good. So, आज हम लोग आए हैं कुरानिक पार्क और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ. वैसे मतलब कभी कभार आ जाते हैं शाम को टाइम मिले तो यू नो बड़ा अच्छा, एक इस टाइम पे मौसम काफ़ी अच्छा होता है तो बहुत एक प्लेजेंट सा इफेक्ट होता है. वॉक भी होती है, थोड़ा वर्कआउट वगैरह, तो बहुत मज़े का सीन होता है. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चल रहा हूँ मैं, आपको जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि वो क्या है. तो यार ये वो चीज़ है, करीम बाइक. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी इसकी सीधे करीम का, लाइक वैसे तो पाकिस्तान में सिर्फ करीम लाइक कार या जो सिंपल नॉर्मल बाइक्स हैं वो हैं, बट यहाँ पे करीम बाइक का मतलब ये है, साइकिल्स आप इनको रेंट कर सकते हैं. डिफरेंट पैकेजेस हैं, पर डे का भी है, पर डे में मेरे ख्याल से सिर्फ एक घंटे के लिए मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, 45 मिनट्स. ये और इसी तरह फिर मंथ का भी है, हफ्ते का भी है, सारा पैकेजेस हैं, लेकिन सब में मैक्सिमम आप 45 मिनट्स के लिए ले सकते हैं इसको एट अ टाइम, नहीं तो एडिशनल चार्जेस आते हैं. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं. करीम बाइक की आपने ऐप में जाना है और ये देखें आप लोगों ने, हम लोगों ने इसका भी वन डे सब्सक्रिप्शन ली है जो कि अभी एक्टिव है. तो अभी हम इसको बाइक को अनलॉक करते हैं. अब हमने लोकेशन ऑलरेडी डाली, लोकेशन आपने ऑन कर ली, आप जिस भी कुरानिक पार्क में, आप ये देखें सारी लोकेशन हमारी लोकेशन आ रही है, तो आप जो भी जिस जगह पे भी आप पहले उधर हैं, हम कुरानिक पार्क में. तो हम लोग यहाँ से इस पे जाओ, बारकोड क्यूआर कोड, तो ये चेक करें, ये भी क्यूआर कोड, हर साइकिल के ऊपर एक क्यूआर कोड है, तो आप अपने ऐप से क्यूआर कोड पे जाएं और ये आपकी साइकिल अनलॉक हो गई. यस, ये आप साइकिल निकाल सकते हैं. चेक करें और क्या इस टाइम व्यू है, अजान भी हो चुकी है, ये हम पार्क के अंदर एंटर कर रहे हैं. यार ये ओवरऑल सीन है पार्क का, ये साइड राइट साइड पे आपके जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, वॉक या जॉग कर सकते हैं, और ये दो ट्रैक जो हैं वो साइकिल के हैं, ठीक है, बाईसाइकिल राइड वगैरह जो भी लाइक लोग अपनी भी लेकर आते हैं. यहाँ पे वो ट्रेंड है, लोग अक्सर आप लोगों ने गाड़ी पीछे देखा होगा कि लोगों ने साइकिल चलाई होती है, तो लोग अपनी भी लेकर आते हैं. बाकी आपका ऑप्शन है कि आप इसको भी लें, फिर ले सकते हैं, इसी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. तो डिफरेंट लोगों ने महीने की भी ली होती हैं और पर डे की भी, पर डे की जो सब्सक्रिप्शन है वो है 20 dirhams की, और जो आई थिंक सो मंथ की सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ फॉर 80 dirhams, और वीक की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मंथ की 80 dirhams है. या तो ये सीन है, साइकिल्स काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, ठीक है, इसके ऊपर छोटी सी कोई हॉर्न भी लगी हुई है, ठीक है ना. बाकी यहाँ पे गियर्स वगैरह हैं, आप गियर्स भी चेंज कर सकते हैं, और इसको डिस्प्ले रिफ्लेक्टिंग लाइट्स भी हैं, मैं दिखा नहीं सकता, बट ये सो है ताकि रात को पता लग सके कोई लाइक ऑब्स्टिकल या साइकिल वगैरह चल रही है, लाइक दूसरे बंदे को जो है ना आइडिया होता है कि भाई आगे साइकिल है. तो ये सीन है यार पार्क, इकोनॉमिक पार्क बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है, और बहुत पीसफुल जगह है. ये खवानीज के एरिया में, खवानीज के एरिया में, तो ये इसका जॉगिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक है, अंदर लाइक पार्क है. मैं सही बताऊँ, मैंने एक्चुअली आज तक कभी अंदर से विज़िट नहीं किया, बट काफ़ी सुना है, क्योंकि हम हमेशा आते हैं तो हम लोग जॉगिंग या साइकिलिंग कर लेते हैं, हमने कभी अंदर से विज़िट नहीं किया, बट सुना है काफ़ी खूबसूरत अंदर से भी, और कभी करेंगे इंशाल्लाह विज़िट. बहुत मज़े की एक्टिविटी होती है यार ये रात को उस टाइम पे या शाम को आना ना, लाइक एक मेंटली बहुत आपको सुकून देती है एक्टिविटी, बहुत ही पीसफुल सी है, ठीक है, और माइंड को बहुत फ्रेश कर देती है. और आप जगह देखें ना, तो जगह आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू देती है, ठीक है ना. तो आई थिंक सो वो जब फ्रेश एयर आप जब जहन को पड़ती है ना, तो आपका माइंड खुद ही फ्रेश हो जाता है, ठीक है ना. तो अच्छा बात कर लें कुरानिक पार्क की, कुरानिक पार्क में आपने पास देखें वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो भी इशू नहीं है. छोटे छोटे कैफेज़ हैं जिसमें कॉफ़ीज़ वगैरह चाय वगैरह मिल जाती है. ये आप सामने देखें, ये लोग इस अपनी साइकिल्स लेकर आए होते हैं, जो प्रॉपर साइकिलर हैं, ठीक है ना, जो साइकिलिंग करते हैं प्रॉपर, वो फिर सलाते हैं अपनी साइकिल्स और अपने हिसाब से, इनके अक्सर ग्रुप्स आए होते हैं
अगर मुझे नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रुप्स आए होते हैं तो वो आप ग्रुप्स में ये लोग बेसिकली साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तो ये सीन होता है इनका यार। यहाँ पे कुछ छोटा सा वर्कआउट एरिया है, ठीक है, आप यहाँ पे वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं थोड़े जेंटल्स के लिए। प्ले एरिया टाइप से छोटे छोटे एरियाज बने हुए ताकि आप डिफरेंट पॉइंट्स पे आप बच्चों को भी मतलब इंटरटेन कर सकें। बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा मज़े की बात, मैं कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। वेट, आ जाए जगह था बताता हूँ। यस, ये चीज़ आ गई। ये चक्कर है यार, ये ना बेसिकली डिसेबल पर्सन के लिए ना साइकिल्स हैं, जो मतलब लाइक वैसे साइकिल नहीं चला सकते उनके लिए ये साइकिल्स नहीं है, जो कि मतलब उनको भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज उनके लिए हो जाती है। जो बंदे नहीं लाइक खड़े हो सकते या साइकिलिंग नहीं कर सकते, नॉर्मल साइकिल नहीं चला सकते, या इवन ओल्ड एज पर्सन जो मतलब डिसेबल नहीं है। लाइक मैं अपनी मामा की एग्जांपल लेता हूँ, मेरी मामा साइकिल नहीं चला सकती क्योंकि उनको स्ट्रेटिका पेन है, वो अपनी टांग बेंड नहीं कर सकती, बट वो उस पर बैठ के एक्सरसाइज करती हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी उनके लिए। उनकी वो जो है ना टांग का जो बेंड करने का इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी हुआ है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं। अच्छा यार, बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे आई डोंट नो ये पार्क रखते हैं कौन है, बट कोई बंदा ही रखता है, ठीक है। यहाँ पे हमको हमेशा फ्रेश और अच्छी लाइक अच्छी कंपनी का पानी, ठंडा पानी आपको हमेशा मिल रहा होता है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे पड़ा होता है। अभी हम पानी लेके जाएंगे, मैं मामा के लिए भी ले लेता हूँ। आई होप सो कि पानी चला जाए, गिरे नहीं। ये दो मैंने आगे रख ली हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको पानी ठंडा मिल रहा होता है जो भी रखता है। अल्लाह उसका भला करे भाई कि यहाँ पे ये बड़े लाजमी मतलब ज़रूरत होती है, मतलब एकदम से जो है ना जा सकती है। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है आई थिंक सो। शायद कोई लाइक यहाँ के जो भी लोग रहते हैं इस एरिया में वही रान के रखते हैं, तो बहुत ही बेस्ट सीन है। लेकिन डिफरेंट और बहुत ही अच्छी कंपनी के लाइक ये पानी बड़े हैं, माय दुबई का और एक जीमा का है, तो लाइक ये बेस्ट पार्ट है, ठंडा पानी होता है। भाई मैंने ये पानी रख लिया है और मेरा पानी जो है कितने के करीब है, तो मैं मामा के लिए भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि मामा से वो साइकिलिंग करती हैं, तो मामा पूरा ट्रैक तो नहीं। तो मैंने यार पानी सा रखा था बट अनफॉर्चुनेटली बोतल मेरी गिर गई, तो इस वजह से जो है मुझे उठानी पड़ी उसको। मैं मामा के लिए पानी लेके जा रहा था क्योंकि मामा पूरा तो ट्रैक कवर नहीं करती, वो साइकिलिंग वाली ही एक्सरसाइज करती हैं। मैंने उनके लिए भी रखा है पानी, और ये पानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको खुली तादाद में मिलता है, लाइक आप जितना भी लेता हो कोई पूछता नहीं है। और मुझे डर लग रहा है कि मेरा पानी फिर गिर जाएगा, मैं इसको सही सलामत लेके मामा के पास पहुँच जाऊँ। ऑलमोस्ट थोड़ा सही रहेगा मेरा ट्रैक, और भी काफ़ी टाइम है, मैं दो तीन चक्कर और लगा सकता हूँ ट्रैक के कम्प्लीट। सब यार बस पानी सेट कर लूँ। यार ये जो है कुछ छोटे मोटे कैफेज बने हुए हैं, लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप गाड़ी से ही ऑर्डर कर सकते हैं, वेटर्स मौजूद हैं जो कि आपका ऑर्डर ले लेते हैं, कॉफ़ी रिफ्रेशमेंट टाइप्स की आपको लाइक मिल जाती है यहाँ पे। और ये सीन है यार, ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है चेक। यहाँ पे ना नीचे जॉगिंग ट्रैक पे मार्क हुए होते हैं कि कितना हो गया, 2400 मीटर से सर। मेरी पानी बोतल माशाल्लाह फिर गिर गई, पर खैर 2400 मीटर हमने कर ली है और 3000 मीटर्स का लाइक 3 किलोमीटर्स का ट्रैक है, तो ऑलमोस्ट 600 मीटर रह चुके हैं हमारा। और मामा यहाँ पे सामने होंगी, उनको पानी देते हैं, पानी ने बड़ा साफ बनाया है। यहाँ पर मस्जिद भी है, नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। तो बोरी मामा पानी ऑफिस लगे थे यार, बहुत तंग कर रहे पानी, मामा एक्सरसाइज कर रही हैं आई थिंक सो। यस, ये हमने पहुंचा दिया पानी। तो ये मामा यार जो है एक्सरसाइज कर रही थी, हम पानी दे चुके हैं, हम सेकंड राउंड पर चलेंगे। ये भी छोटा सा प्ले एरिया और वर्कआउट एरिया जहाँ पे आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, जो बच्चे खेल भी सकते हैं। और ये अच्छा मैं आपको बता रहा था कि जो दूसरी साइकिल्स आती हैं वो ये पड़ी ये खड़ी हैं, ठीक है, आप इनके जो भी आए दोनों क्या रेट्स हैं, बट इससे भी आप ले सकते हैं अगर आपने करीम बाइक नहीं लेना तो।
छोटा सा स्टॉल्स है, कुछ छोटे मोटी रेस्टोरेंट की चीज़ें मिल जाती हैं। सामने लास्ट एग्जिट है, यस बहुत अच्छी जगह है लास्ट एग्जिट, एक ओपन एयर वो है फूड कोर्ट तो सामने वो है, और यहाँ पे मामा चिकन के नाम से कुछ ब्रांड है। और ऑल ये हम लोगों ने तकरीबन पूरा कर लिया अपना ट्रैक, मेरी गाड़ी, यस ये ट्रैक यहाँ पे पूरा हो गया 3000 meters, दैट इज 3 kilometers, यस फिनिश। अब हमारा सेकंड चक्कर है, तो यार हम लोग गाड़ी में वापस आ चुके हैं, टाइम पूरा हो चुका था साइकिल का, हम लोग वापस जा रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।